डियर स्टूडेंट वेलकम्स यू एकलव्य अकेडमी जयपुर। आज हम सैनिक स्कूल क्लास नाइन्थ के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सेक्शन सी जनरल साइंस और सेक्शन डी सोशल साइंस के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो उसमें 76 क्वेश्चन था राइजोबियम बैक्टीरिया, तो ऑप्शन बी है हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 77 की बात करते हैं द मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन, तो ऑप्शन सी है सोडियम, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 78 की बात करते हैं प्योर कंडक्टर आर, तो प्योर कंडक्टर्स आर, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, ये सभी हमारे प्योर कंडक्टर्स होते हैं। 79 की बात करते हैं देयर आर फॉलोइंग जोन्स ऑफ फ्लेम, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है थ्री जोन्स, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 80 की बात करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट इज डायरेक्शन सेल बी, तो ऑप्शन डी है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज, तो यहां पे हमारा ऑप्शन ए फीटस यानी ये फोइटस होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 82 की बात करते हैं डायबिटीज इज ड्यू टू द मलफंक्शनिंग ऑफ, ऑप्शन डी है पैंक्रियाज, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 83 की बात करते हैं नेफ्थेलीन बॉल्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम, तो ऑप्शन सी है कोल तार, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 84 की बात करते हैं जॉन एक्सीडेंटली प्लेस हिज हैंड ओवर ए फ्लेम एंड इमीडिएटली पुल्ड इट बैक, ही फेल्ट द सेंसेशन ऑफ हीट एंड रिएक्टेड ड्यू टू द एक्शन ऑफ, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है नर्व सेल, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं पर्पल कलर्ड नॉन मेटल फॉर्म ए ब्राउन सॉल्यूशन इन एल्कोहल विच इज अप्लाइड ऑन द वाउंड एज एन एंटीसेप्टिक, नेम ऑफ द नॉन मेटल इज, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है आयोडीन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं गिवन बिलो आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड्स ऑन क्रॉप प्लांट्स, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, तो ऑप्शन ए है 1, 3 and 4, ये तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 87 की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन आल सिंथेटिक सबस्टेंस, तो ऑप्शन बी है पीवीसी पॉलीथीन एंड बैकेलाइट, ये हमारा करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 88 की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंडेमिक स्पेसीज, तो ऑप्शन ए है दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन स्पेसिफिक हैबिटेट, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 89 की बात करते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेल, तो ऑप्शन ए है ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। 90 की बात करते हैं एक्वाटिक एनिमल इन विच फर्टिलाइजेशन अकर इन वाटर आर सेड टू बी, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी है ओवी पेरिश विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं द लाइट फ्रॉम सन टेक्स 500 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ अज्यूमिंग द स्पीड ऑफ लाइट इज 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, तो दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है ये लाइट के चैप्टर से है, तो ये न्यूमेरिकल है, हम जानते हैं कि लाइट की वेलोसिटी होती है लैम्डा अपॉन टी, तो यहाँ पे लैम्डा हमको निकालना है और टी और वी दे रखा है, तो टी और वी करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ऑप्शन बी है 150 मिलियन किलोमीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 92 की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ऑप्शन सी है डिकम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट, ये हमारे इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट का एप्लीकेशन नहीं होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 93 की बात करते हैं अर्थक्विक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 ऑन रिएक्टर स्केल हैज, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है 1000 टाइम मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी देन एन अर्थक्विक ऑफ मैग्नीट्यूड 4, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 94 की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रोड एंड कॉन्स इन द ह्यूमन आई, तो ऑप्शन बी है कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 95 की बात करते हैं सपोज ए न्यू प्लैनेट इज डिस्कवर्ड बिटवीन द यूरेनस एंड नेपच्यून, इट्स टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन वुड बी, तो ऑप्शन ए है लेस देन दैट ऑफ नेपच्यून, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। रमेश वाज कुकिंग पोटैटो करी ऑन ए चूल्हा, टू हिज सरप्राइज ही ऑब्जर्व दैट द कॉपर वेसल वाज गेटिंग ब्लैकेंड फ्रॉम आउटसाइड, इट मे बी ड्यू टू द, तो ऑप्शन सी है इम्प्रॉपर कम्बशन ऑफ फ्यूल, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 97 की बात करते हैं वह कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस एयर फॉर लॉन्ग, इट एक्वायर ए डल ग्रीन कोटिंग, द ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ, तो ऑप्शन बी है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, हमारा करेक्ट आंसर होगा। 98 की बात करते हैं द पैलेस मीट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडिवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट आर, तो ऑप्शन सी है स्टेटमेंट 3rd and 4 हमारे करेक्ट आंसर होंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 99 की बात करते हैं द सेम फोर्स एक्ट ऑन ए फोर डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग द एरिया गिवन बिलो वन बाय वन इन विच केस द प्रेशर एग्जैक्ट विल बी द मैक्सिमम, तो हम फ्रेंड्स हम जानते हैं कि प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो यहाँ पे जिसका एरिया कम होगा उसी में प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन डी है 10 मीटर स्क्वायर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं बिफोर प्लेइंग द आर्केस्ट्रा इन ए म्यूजिकल कंसर्ट ए सितारिस्ट ट्राइज टू एडजस्ट द टेंशन एंड प्लक
स्ट्रिंग सूटेबली बाई डूइंग सो ही इज एडजस्टिंग. तो ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा. अब हम बात करते हैं सेक्शन डी सोशल साइंस की. तो क्वेश्चन नंबर 101 था, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज. तो यहाँ पे ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं, बाय द लेट ऑफ 18th सेंचुरी ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्राइंग टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ. तो यहाँ पे ऑप्शन डी है इंडिगो हमारा करेक्ट आंसर होगा. 103 की बात करते हैं, ईवीएम वर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जनरल इलेक्शन. तो दोस्तों यहाँ पे हम 1999 में सर्वप्रथम गोवा में ईवीएम्स का यूज किया गया था. उसके बाद जनरल इलेक्शन में फर्स्ट टाइम 2004 में यूज किया गया था. जनरल इलेक्शन का संबंध यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन से है. तो 2004 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उनके लिए ईवीएम फर्स्ट टाइम इंडिया में यूज की गई थी. क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं, देयर आर ब्लैंक स्पेस इलेक्टेड मेंबर इन राज्यसभा. तो हमारा ऑप्शन सी है 233 हमारा करेक्ट आंसर होगा. 105 की बात करते हैं, मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज. तो ओपन कास्ट माइनिंग, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा. द कंप्लेनेंट हैज ए ब्लैंक स्पेस राइट टू गेट ए फ्री कॉपी ऑफ एफआईआर फ्रॉम द पुलिस. तो यहाँ पे ऑप्शन बी है लीगल हमारा राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द अनटचेबिलिटी हैज बीन अबोलिश्ड. तो ऑप्शन डी है आर्टिकल 17 हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं, द मराठा न्यूज़पेपर केसरी वाज एडिटेड बाय. तो ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. तो 109 की बात करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट इज कॉल्ड द. तो ऑप्शन ए है नेचुरल ग्रोथ रेट कहलाती है. ऑप्शन ए हमारा सर करेक्ट आंसर होगा. 110 की बात करते हैं, दांडी मार्च वाज अगेंस्ट द. तो ऑप्शन ए साल्ट टैक्स. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा. 111 की बात करते हैं, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट ए चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इन. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है 1600 AD. तो हमारा ये करेक्ट आंसर होगा. 112 की बात करते हैं, द दिल्ली रेनेसेंस रेफर्स टू द पीरियड फ्रॉम. तो ऑप्शन ए है 1830 to 1857 AD. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा. 113 की बात करते हैं, वुड डिस्पैच ऑफ  1854 रेफर्स टू. तो यहाँ पे ऑप्शन ए है एजुकेशन रिफॉर्म हमारा करेक्ट आंसर होगा. द क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं, द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा इज. तो ऑप्शन ए है द प्राइम मिनिस्टर हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं, एज पर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी स्टेट पर्सन इज गारंटीड फंडामेंटल राइट्स. तो आर्टिकल 22 होता है, ऑप्शन डी में हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज रिलीज इन भोपाल गैस स्टेज डी. तो यहाँ पे ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट है हमारा करेक्ट आंसर होगा. 117 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड. तो ऑप्शन बी है चिली हमारा करेक्ट आंसर होगा. ऑप्शन बी 118 की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द स्टेट विच लोएस्ट लिटरेसी एज पर सेंसस 2011. तो ऑप्शन ए बिहार हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड टू द लोकसभा इज. तो ऑप्शन डी है 2, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. 120 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट परसेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड. ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 121 की बात करते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मसभा. तो हमारे ब्रह्मसभा के जो फाउंडर थे वो राजा राममोहन राय थे. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा. 122 की बात करते हैं, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर. तो यहाँ पे हमारा तो फ्रेंड्स हमारा जो आंसर होगा वो 1929 होगा, लेकिन यहाँ पे किसी भी ऑप्शन से वो मैच नहीं खा रहा, इसीलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है वो हमें पे बोनस मार्क प्रोवाइड करेगी, क्योंकि जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट जो पास किया गया था वो 1929 में पास किया गया था. 123 की बात करते हैं, व्हाट इज द पॉपुलेशन पिरामिड. तो ऑप्शन ए है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एज सेक्स कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं, विच एज ग्रुप ऑफ इंडिया इज गारंटीड फ्री एजुकेशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऑप्शन ए है 6 से 14 ईयर. तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. 125 की बात करते हैं, हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी. तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.